नमस्कार। ओम साई राम। साई समर्थ शक्ति चैनल में सभी साई भक्तों का स्वागत है। साई बाबा के 11 वचन और उनके अर्थ। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा। साई बाबा की लीला स्थली शिरडी रही है, इसलिए साई कहते हैं कि शिरडी आने मात्र से समस्याएं टल जाएंगी। जो लोग शिरडी नहीं जा सकते उनके लिए साई मंदिर जाना भी पर्याप्त होगा। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साई बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के दुख दूर हो जाएंगे। साई मंदिरों में प्रतीकात्मक समाधि के दर्शन से भी दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा भाव का होना जरूरी है। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साई बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में न रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ के आऊँगा और हर प्रकार से अपने भक्त की सहायता करूँगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। हो सकता है मेरे न रहने पर भक्त का विश्वास कमज़ोर पड़ने लगे, वह अकेलापन और असहाय महसूस करने लगे, लेकिन भक्तों को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से की गई हर प्रार्थना पूर्ण होगी। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। साई बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूँगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। छठवां वचन, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आया है उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसा ही देखता हूँ। यही नहीं, जिस भाव से कामना करता है उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा और उसके हर दायित्व का निर्वहन करूंगा। नौवां वचन, असहायता लो भरपूर, जो मांगा ओ नहीं है दूर। जो भक्त श्रद्धा भाव से सहायता मांगेगा उसकी सहायता मैं जरूर करूंगा। दसवां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। जो भक्त मन वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ। उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। ग्यारहवां वचन, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साई बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य है जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है। ऐसे ही भक्त वास्तव में भक्त है। ओम साई राम।